कल मैंने टीवी पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का भाषण सुना। वो महाराष्ट्र में भाषण दे रहे थे और किसानों से पूछ रहे थे कर्जा माफ हुआ क्या, नौजवानों को रोजगार मिला क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मध्य प्रदेश वाली भाषण को महाराष्ट्र में पढ़ गए, महाराष्ट्र में बोल दिया उन्होंने, क्योंकि घोषणा उन्होंने यहां की थी। और मेरी प्रार्थना है कि अगर महाराष्ट्र का ही था तो एक बार ये भाषण को मध्य प्रदेश में भी दोहराएं, क्योंकि यहां कर्जा माफ की तो बात चली क्या, जो आई फसल थी सोयाबीन की, उड़द की, मूंग की, तिल्ली की, वो भी साफ हो गई है और एक पैसा मुआवजा नहीं मिला। और उस पर सितम क्या है, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी ने आज चार चार खत लिख दिए, कल परसों में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने खत लिखे थे, उसके पहले लगातार और भी नेता मुख्यमंत्री जी को खत लिखते रहते हैं। अब खपा है इसीलिए खता का वो खत लिख रहे हैं। और ये भी है खत जो लिखा मैंने इंसानियत के पते पर, डाकिया ही मर गया शहर खोजते खोजते, ये पत्र मुझे मालूम है कि मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। इन पत्रों का भी वही हस्र होगा जो आज तक दूसरे ट्विटर और दूसरे पत्रों का हस्र हुआ है। हम जो विषय उठाते थे, ये पत्र आज के हैं, हम जो विषय उठाते थे वो विषय है कि पिछले साल का गेहूं का बोनस आज तक नहीं मिला 160 रुपया, दूसरी गेहूं की फसल बोने का समय आ गया, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, जो हम विषय उठाते थे वही विषय है। और अचंभा तो ये है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा उस दिन, मैंने भाषण सुना कि आज से ही पैसे आना चालू हो जाएंगे, जो बाढ़ के अतिवृष्टि से फसल प्रभावित है उसमें आदरणीय सिंधिया जी लिख रहे हैं कि सर्वे शुरू करा दें, अभी तो सर्वे ही शुरू नहीं हुआ है। ये स्थिति आज मध्य प्रदेश के किसान की है कि फसल का सर्वे नहीं हुआ, अब दूसरी फसल बोने का समय आ जाएगा, फसल बुब जाएगी तो फिर सर्वे काय का होगा, नई फसल खड़ी हो जाएगी। इसीलिए जानबूझ के पटवारियों की हड़ताल करवाई और इसीलिए जानबूझ कर तहसीलदारों की हड़ताल करवाई गई थी। और ये पत्र है जो मैंने आपके सामने दिखाए।